हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर श्रेया नायक और आज हम बात करने वाले हैं रेटिनल लेजर्स की। इस डिस्कशन को मैं दो पार्ट्स में डिवाइड करने वाली हूँ। सबसे पहले हम बात करेंगे बराज लेज़र की और दूसरे वीडियो में हम बात करेंगे फोटोकोएगुलेशन या फिर स्कैटर लेज़र की, जो यूजुअली वैस्कुलर डिसऑर्डर्स या फिर नाड़ियों के खराब होने की वजह से की जाती है। तो चलिए लेज़र बराज के बारे में बात की जाए। आपको पता ही है कि हमारी आँख एक कैमरे की तरह होती है। आगे लेंस होता है और पीछे पर्दा होता है। ये दोनों एक साथ काम करते हैं तभी जाके हमें रोशनी दिखती है। तो इसीलिए रेटिना या फिर पर्दे का हेल्दी रहना बहुत ज़रूरी है। बहुत बार रेटिना के कोने के हिस्से में छेद या फिर वीकनेसेस के स्पॉट्स आ जाते हैं और इसीलिए इन वीकनेसेस को लेज़र करना ज़रूरी होता है। लेज़र बराज का मतलब क्या होता है? बेसिकली जो हमारे वीकनेसेस या फिर होल्स होते हैं, अगर उनको ऐसे ही छोड़ दिया जाए तो इवेंचुअली आँख के अंदर की जो जेली होती है वो पानी में बदलकर पर्दे के पीछे जा सकती है और पर्दे को उखाड़ सकती है। और अगर एक बार पर्दा उखड़ा तो आपकी रोशनी भी काफ़ी कमज़ोर हो सकती है। इसीलिए उसको प्रिवेंट करने के लिए हम लेज़र बराज करते हैं। इस लेज़र बराज में लेज़र के किरणों के द्वारा वीकनेस या फिर होल के चारों तरफ एक सील बना दिया जाता है ताकि आँख के अंदर का पानी पर्दे के पीछे ना जाए, और इस तरह से हम रेटिनल डिटैचमेंट को प्रिवेंट कर सकते हैं। अब रेटिनल वीकनेस कितने टाइप के होते हैं? सबसे पहले हम बात करेंगे लैटिस डीजनरेशन का। लैटिस रेटिना का वो हिस्सा होता है जिसमें रेटिना का जो थिकनेस होता है वो बहुत पतला होता है, और इस लैटिस के ऊपर विट्रियस जेली बहुत टाइटली चिपकी हुई होती है। तो या फिर टाइम के साथ इस लैटिस में कभी कभार छेद बन जाते हैं या फिर टाइटली चिपके हुए विट्रियस उसको पुल करते हुए एक टेयर या फिर एक चीरा भी बना सकता है, और ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर्स होते हैं रेटिनल डिटैचमेंट के। दूसरी टाइप की वीकनेस होती है रेटिनल होल्स। ये उन पेशेंट्स में पाए जाते हैं जिसमें ट्रॉमा हुई हो, जिनकी आँखों में ट्रॉमा हुई हो, या फिर कोई कॉम्प्लिकेटेड कैटरैक्ट सर्जरी जिसमें विट्रियस जेली को भी छेड़ा हुआ हो। तीसरा प्रकार होता है HST या फिर हॉर्स शू शेप टियर। इसका नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि ये इस आकार का होता है। ये भी एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर होता है रेटिनल डिटैचमेंट का। तो आइए कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस का आंसर करते हैं। क्या ये होल्स या फिर लैटिसेस या फिर HST आपके विजन को कम करते हैं, आपकी रोशनी को कम करते हैं? नहीं, जब तक ये ऐसे पड़े हों ये कोई आपके विजन को कम नहीं करेंगे। लेकिन ये अगर पर्दा उखाड़ने लगे तो हाँ, रोशनी इमीडिएटली आपकी कम हो जाती है। दूसरा सवाल, क्या हर लैटिस को लेज़र करना ज़रूरी है? नहीं, ये आपके आँखों के डॉक्टर को डिसाइड करना पड़ेगा कि क्या वो पेशेंट रिस्क फैक्टर में है कि उसको रेटिनल डिटैचमेंट हुए ड्यू टू लैटिस। लैटिस में जब तक छेद ना हो या फिर फैमिली हिस्ट्री ना हो या फिर बहुत और फैक्टर्स होते हैं जिसको सोच समझकर ही हम लेज़र के लिए बोलते हैं। ये वीकनेसेस किन पेशेंट्स में पाए जाते हैं? सबसे पहले मायोपिक पेशेंट्स, मतलब जो माइनस पावर के ग्लासेस लगाते हों, उनमें लैटिसेस बहुत कॉमनली पाए जाते हैं। दूसरे होते हैं वो जिनको आँख पे चोट लगी हो, डायरेक्ट चोट लगी हो। तीसरे होते हैं वो पेशेंट्स जिनकी एक कॉम्प्लिकेटेड कैटरैक्ट सर्जरी हुई हो, मतलब कि विट्रियस जेली को उसमें छेड़ा गया हो। चौथे वो पेशेंट्स होते हैं जिनके फैमिली हिस्ट्री ऑफ रेटिनल डिटैचमेंट हो। तो अगर आपके कोई भी रिस्क फैक्टर्स हैं तो प्लीज़ प्लीज़ अपने रेटिनल स्पेशलिस्ट को जाके दिखाएं। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर कहा जाता है, और इसलिए रेटिनल डिटैचमेंट होने से पहले ही अगर हम उसका क्योर कर लें तो उससे बेहतर और कुछ नहीं होगा। थैंक यू।